हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर। तो मैं पहले डिटरमिनेंट पढ़ रहा हूँ, हालांकि मुझे पढ़ाना था पहले मैट्रिक्स। ओके, तो पहले डिटरमिनेंट पे चलते हैं। तो डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकता है। तो पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, उसके बाद हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होगा तब वो मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अब चलते हैं फास्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है। फास्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा, मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा। तो मान लो एक नंबर ले रहा हूं फाइव का डिटरमिनेंट रो एंड कॉलम दोनों एक ही है, तो 5 का डिटरमिनेंट 5। अब बताओ मुझे -5 का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, -5 का डिटरमिनेंट भी -5 ही बनेगा। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो जो अंदर में होगा वही हम लोग का आउटपुट होगा। ओके, अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो मान लो कि मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो। अगेन और एक इक्वेशन है ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले इक्वेशन से आप बताओ मुझे वाई बाय एक्स का वैल्यू क्या है, वाई बाय एक्स मतलब माइनस ए वन बाय बी वन। सेकेंड इक्वेशन में वाई बाय एक्स का वैल्यू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में वैसे ही ए वन की जगह ए टू है, बी वन की जगह बी टू है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए टू बाय बी। देखो वाई बाय एक्स का पहले इक्वेशन में क्या है, माइनस ए वन बाय बी वन एंड सेकेंड में माइनस ए टू बाय बी टू। तो दोनों वाई बाय एक्स है ना, तो दोनों इक्वल फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो माइनस ए वन बाय बी वन माइनस ए टू बाय बी टू। तो माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए वन इंटू बी टू माइनस बी वन इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो, ये तो उसका सोल्यूशन बनेगा। तो अगर हम लोग के पास दो इक्वेशन है तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिख सकते हैं, देखो ए वन बी वन ए टू बी टू इसका डिटरमिनेंट। इसको हम लोग डिटरमिनेंट को लिखेंगे तो उसको डेल्टा भी बोल सकते हैं और डी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस देके ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कौन सा ऑर्डर है हम लोग का, सेकेंड ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में हम लोग के पास कैसा रहेगा, देखो डेल्टा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो इसको हम लोग कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखो तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा, देखो ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस ये दोनों माइनस बी थ्री सी टू। देखो ए वन इंटू मतलब वही रो और वही कॉलम डिलीट कर दो तो बचेगा क्या, बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री। इसका डिटरमिनेंट कैसा होता है, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू। तो ए वन को ले लिया मतलब ए वन वाला कॉलम और ए वन वाला रो खत्म, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस। तो यहाँ पे पहला वाला टर्म में प्लस होता है, सेकेंड में माइनस, फिर प्लस, अगर इधर भी जाएंगे तभी वैसे ही बनेगा प्लस माइनस प्लस। ओके, अब बी ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस बी वन इंटू बी वन इंटू इसको क्या लिखेंगे, देखो ये क्लोज तो बचा क्या, ए टू सी टू
A3C3, तो इसको कैसे लिखेंगे, A2C3 माइनस A3C2। ओके प्लस C1 इंटू, तो ये तीसरा वाला क्लोज, तो इसको कैसे लिखेंगे, A2B3 माइनस A3B2। तो ये उसका डिटरमिनेंट बन के आ जाएगा, मतलब डेल्टा का वैल्यू। तो इसको हम लोग माइनर ऑफ A1 बोलेंगे, इसको हम लोग माइनर ऑफ B1 बोलेंगे, और इसको हम लोग माइनर ऑफ C1 बोल सकते हैं। अब तो मैंने माइनर का बारे में कुछ बात नहीं बोले हैं, तो माइनर बाद में आप पता चल जाए क्यों मैंने माइनर ऑफ A1 इसको बोल रहा हूँ, इसको B1 बोल रहा हूँ और इसको C1 बोल रहा हूँ। ओके, तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप लोग को पता चल गया। ओके, देखो डिटरमिनेंट का डेल्टा हम लोग का ये फॉर्मेट में रहता है हमेशा, A11, A12, A13, A21, A21, A22, A33, A31, A32, A33। A11 का मतलब है A11 एक एलिमेंट है, वो नंबर ऑफ रो उसका 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको AIJ भी बोल सकते हैं। एलिमेंट लोग हम लोग को क्या बोलते हैं, AIJ। ओके, क्या बोलते हैं उसको, AIJ। आई स्टैंड्स फॉर रो, मींस आई को हम लोग नंबर ऑफ रो बोलेंगे, जे को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम बोल सकते हैं। ओके, मान लो मैं A23 लिख रहा हूं, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, इसको हम लोग रो बोलेंगे। ओके, तो डेल्टा का फॉर्मेट ऐसा रहता है, मींस तीन इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, और एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एक रूल रहता है, सोरस रूल करके, क्या बोलते हैं उसको, सोरस रूल। सोरस रूल क्या कहता है कि ये फॉर्मेट में हम लोग डिटरमिनेंट नहीं करके भी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सोरस रूल में हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब जो दो कॉलम है, पहला दो कॉलम है उसको फिर रिपीट करूंगा, तो क्या बन जाएगा ये A1 B2 B3। तो डायरेक्ट हम लोग डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या बन के आ रहा था, A1 B2, मतलब BA मल्टीप्लाई माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई, तो उसमें भी ऐसे करेंगे, देखो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मैं पहले क्या बोला, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस, अब किसको माइनस करेंगे, C1 B2 A3 A1 C2 B3 B1 A2 C3। ओके, तो ये डायरेक्ट हम लोग का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको दे सकता है यूजिंग सोरस रूल। ओके, तो सोरस रूल में एक चीज कॉमन रहता है, देखो क्या कॉमन रहता है, यहाँ पे अगर एडिशन के जगह अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एडिशन के जगह अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या बन के आएगा, देखो ये बन के आ जाएगा, देखो A1 A2
a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखो बन क्या आ रहा है कि नहीं, हर एक एक टर्म है। ओके यहाँ पे भी एग्जैक्टली वो अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या बन गया है? देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मतलब ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों सेम बन के आता है, दोनों सेम बनता है। हमेशा मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करेंगे तो जीरो बनेगा। तो सोरोस रूल का ये खास चीज है। ओके तो ऐसे हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और इसमें ध्यान देना वाली बात क्या है, अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये टर्म जो होता है पहला वाला टर्म और सेकेंड वाला टर्म दोनों सेम रहता है। ओके तो डिटरमिनेंट हम लोग तो इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम में हम लोग सोरोस रूल यूज कर देंगे तो बहुत जल्दी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और कुछ इस बेसिस से हम लोग भी कुछ नंबर्स निकालेंगे उसको। ओके तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट करेंगे ऐसे फॉर्मेट में और कोई कोई नंबर में सोरोस रूल में हम लोग यूज करेंगे। ओके अब देखो हम लोग सोरोस रूल में एक प्रॉब्लम को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन है, इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज मेड बाय वन एंड माइनस वन ओनली, मींस एक डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, उसमें एलिमेंट क्या है, वन एंड माइनस वन ही है। ओके तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में थर्ड ऑर्डर में अगर वन एंड माइनस वन ही अंदर है, मीन्स वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसे फॉर्मेट, मीन्स हमेशा डिटर्मिनेंट के अंदर वन एंड माइनस वन ही एलिमेंट है। तो मुझे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या होगा। अब बताओ डायरेक्ट हम लोग सोरोस रूल में यूज करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये भी तो हो सकता है। अब बताओ तो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का वन एंड माइनस वन होगा तो ए वन बी टू सी थ्री मैक्सिमम क्या बन सकता है, वन बन सकता है ना, वन 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 मल्टीप्लाई होके वन बनेगा। तो मैक्सिमम ए वन बी टू सी थ्री और बी वन सी टू ए थ्री और सी वन ए टू बी थ्री क्या बन सकता है, मैक्सिमम वन बन सकता है। तो इसको मैं वन प्लस वन लिख रहा हूं। ओके और मिनिमम क्या बन सकता है, माइनस वन, तो इसको माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐसे लिख सकता हूं। ये सही होगा कि नहीं, सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, देखो सोरोस फॉर्मूला में क्या होता है, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम होना चाहिए। ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए ना। अब बताओ वन इंटू वन इंटू वन क्या है, वन। अब माइनस वन माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ पे सोरोस रूल नहीं लगेगा क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम होता है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे सेम करेंगे, मतलब हम लोग किसी माइनस वन को वन करना पड़ेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बनेगा। तो ये हम लोग का वन एंड माइनस वन ओनली, मीन्स मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालना था तो इसीलिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिया, क्योंकि वन एंड माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो वन आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम से अगर मिनिमम माइनस करूंगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा हम लोग का, तो इसीलिए प्लस वन इधर रुक गया माइनस वन इधर रुक गया। अब पता चला कि ये हो नहीं सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस वन को प्लस वन कर लेते हैं। अब देखो हो पाएगा कि नहीं, यहाँ का मल्टीप्लाई और इनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम होना चाहिए। अब बोलो इसका मल्टीप्लीकेशन भी वन है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी वन है तो बन सकता है, ये हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। तो ये बन गया क्या, थ्री। ये क्या बन गया, आ गया एक एक वन कैंसिल हो गया तो थ्री प्लस वन। तो अगर डिटर्मिनेंट में मीन्स थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में अगर वन एंड माइनस वन ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, फोर। ओके अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब बताओ मुझे मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मिनिमम मतलब क्या होगा, माइनस वन मल्टीप्लीकेशन, ये वन एंड माइनस वन लेके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म क्या मिनिमम क्या होगा, माइनस वन होगा। जैसे कि हम लोग पहले से मैक्सिमम वाला केस में ये मैक्सिमम क्या हो रहा था, वन बन रहा था, तो ये मिनिमम क्या बन रहेगा, माइनस वन। तो इसको माइनस वन देता हूं मैं, तो मिनिमम से मैक्सिमम माइनस करूंगा तभी तो मिनिमम बनेगा, छोटा वाला से बड़ा वाला माइनस करूंगा।
तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या बनेगा वो आप अब देख, तो अब देख लो कि सोरोस रूल हम लोग यूज कर पाएंगे कि नहीं। अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन -1, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक का को माइनस कर लेते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, -1 -1, तो ये जो निकलेगा मिनिमम ही निकलेगा। तो ये देखो -3 1 1 कैंसिल, -3 -1, तो क्या बन क्या गया -4। तो अगर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एलिमेंट सिर्फ 1 एंड -1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू उसका 4 बनेगा और मिनिमम वैल्यू -4 बनेगा। अब बताओ मुझे, और कोई ऐसा कुछ वैल्यू है क्या जो कि निकल के आ सकता है? निकल के आ सकता है, देखो 2 निकलेगा कि नहीं हम लोग चेक करते हैं, कभी 2 निकल सकता है कि नहीं। अगर मान लो मैं ऊपर में 1 1 1 दे दिया, नीचे में मीन्स नेक्स्ट सेकेंड वाला टर्म में ये तो 3 बन गया, तो 3 -1 करना है हमको, तो 1 कर सकते हैं, -1 -1 +1। अब देखो ये 3 यहाँ पे +1, तो 3 -1 2 निकल के आएगा। तो लेकिन ये हो सकता है कि चेक कर लो, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये तो मल्टीप्लीकेशन उसका 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, -1 -1 (1, 1 1) बन के आ गया। तो ये क्या बनेगा, देखो 3 यहाँ पे -1 +1, ये 4 निकल के आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, 2 तो निकल के ही नहीं आ रहा है। देखो ये -1 है ना, तो -1 +1 बन गया, तो 2 निकल के नहीं आ रहा है। तो 2 नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट। मीन्स अगर कुछ -4 और 4 को छोड़ के और कुछ वैल्यू निकल सकता है कि नहीं, हम लोग चेक कर दें। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट, मीन्स और कुछ निकल सकता है कि नहीं। देखो और कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे तो फिर 4 निकल के आएगा, और कुछ हम लोग वैरायटी में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे अगर 1 + 1 + 1 रख लिया माइनस पे, फिर तीनों को 1 रख देता हूँ, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1, तो 3 - 3 एक वैल्यू 0 निकल के आएगा। तो यही एक वैल्यू निकल सकता है जो कि 0 बनेगा। तो ये वाला एक निकल सकता है। तो तीन ही वैल्यू निकल सकता है, अगर डिटरमिनेंट में 1 एंड -1 ही प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो उसका 4 बनेगा, मिनिमम वैल्यू उसका -4 बनेगा, और एक वैल्यू निकल सकता है वो जो कि 0 है। और 2 तो नहीं निकल सकता है, मैंने चेक कर दिया, 2 नहीं निकलेगा, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, 4 -4 एंड 0 ये तीन वैल्यू निकलेगा। उसमें से मैक्सिमम 4, मिनिमम -4 एंड 0 निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर। तो पहले हमें माइनस के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो माइनस किसको कहते हैं, माइनस कैन बी ऑब्टेन माइनस ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। By deleting row and column of that element, means मैं अगर कोई भी एलिमेंट का माइनस निकाल रहा हूं, मतलब वो जो एलिमेंट होगा उसी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जो बचेगा वो उसका माइनस बनेगा। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, रिप्रेजेंटेड वाई रिप्रेजेंटेड बाय MIG। देखो हम लोग के पास अगर डिटरमिनेंट है डेल्टा (a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33) तो (a21) का माइनर क्या बनेगा, मीन्स माइनर ऑफ
a21 क्या बनेगा बोलो? तो ये जो भी एलिमेंट का माइनस निकालेंगे उसका रो एंड कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे, तो a21 ये है ना, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो बचा क्या a12 a13 a32 a33, तो ये बन जाएगा उसका माइनस a12 a13 a32 a3, तो इसका डिटरमिनेंट बन गया इसका माइनर। अब बताओ माइनर ऑफ मींस m11 मतलब माइनर ऑफ a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर क्या बनेगा, ये डिलीट, तो बचा क्या a22 a23 a32 a33, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a22 a23 a32 a33 का डिटरमिनेंट। अब बताओ मुझे अगर माइनर में बोला गया माइनर ऑफ 2 3, मींस सेकंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, a23 तो यहां पे है ना, तो बचा क्या a11 a12 a31 a32, ओके तो ये बन जाएगा। ओके तो आप लोग को माइनर क्या है पता चल गया, तो फाइनल हम लोग माइनर निकालने तो करेंगे क्या, 2/2 मींस डिटरमिनेंट का सेकंड ऑर्डर का हम लोग कैसे, दिस माइनस दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको, तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग को तो पता है ना कैसे निकालते हैं, तो ये एक स्टेप हो गया हम लोग का, माइनस किसको कहते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज मैं बताने वाला हूं, देखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मींस द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा कैन बी रिप्रेजेंट, मींस डेल्टा को हम लोग माइनर के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो डेल्टा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ माइनस वन का पावर आई प्लस जे ए आई जे इंटू एम आई जे। देखो मैंने पहले से लिखा था कि इसको हम लोग जो डिटरमिनेंट निकाले थे तो क्या बन के आ रहा था, देखो a11 इंटू m11 माइनस a12 इंटू m12 प्लस a13 m13, यही डेल्टा हो रहा था ये देखो, मैंने लिखा था a1 इंटू b2 c3 माइनस c3 b2, तो उसी को तो माइनर ऑफ a1 बोला था मैंने, अगेन सेकंड वाला को उसी को तो माइनर ऑफ b1 माइनर ऑफ a2 बोला था, सॉरी माइनर ऑफ b1 बोला था और उसको माइनर ऑफ c1 बोला, तो अब समझ में आ रहा है, देखो a11 m11 a11 को छो इंटू इसका डिटरमिनेंट मींस a22 माइनस a33 माइनस a32 इंटू a23, यही तो हम लोग का m11 है, तो a11 हम लोग डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, a11 ले से ये दिस माइनस दिस, ओके सेकंड वाला टर्म में हम लोग माइनस चलते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23, यही तो हम लोग का m12 है, ओके a13 इंटू a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22, यही तो हम लोग का m13 है, ओके तो डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ing क्या है, देखो ing डिसाइड करता है कि प्लस कहां पे होगा माइनस कहां पे होगा, देखो m12 मतलब आई का वैल्यू 1 है जे का वैल्यू 2 है, तो आई प्लस जे क्या बन जाएगा 3, तो माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1, तो कहां पे नेगेटिव लगेगा और कहां पे पॉजिटिव होगा ये हम लोग को डिसाइड करके दे देता है, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या होता है पहला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये हम लोग को दे रहा है, देखो 1 1 इनपुट करने से 1 + 1 2, तो आई माइनस 1 का पावर 2 1 बन जाएगा, मींस पॉजिटिव बन जाएगा, ओके तो अगर मुझे माइनस पता है और उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स पता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोफैक्टर के ऊपर, कोफैक्टर, ओके कोफैक्टर क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड बाय cij, ओके कोफैक्टर ऑफ आईजे,
तो मैंने क्या बोला था, हम लोग डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ओके। अब cij का फॉर्मूला क्या रहता है कोफैक्टर का, माइनस वन का पावर i प्लस जे इंटू एम आई सी। ओके, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस वन का पावर i प्लस जे इंटू एम आई सी। अब बताओ मुझे सी वन टू का वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनस वन का पावर i प्लस जे, तो i हम लोग का क्या है वन, j क्या है हम लोग का टू, तो माइनस वन का पावर वन प्लस टू मतलब थ्री, माइनस वन का पावर थ्री मतलब माइनस वन, तो माइनस ऑफ एम वन टू। एम वन टू क्या होगा, मीन्स ए वन टू का कोफैक्टर, सॉरी ए वन टू का माइनर, तो ये डिलीट ये डिलीट, तो बचा क्या ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री। ओके, क्योंकि देखो सी वन टू को हम लोग माइनस वन का पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू लिखेंगे, अब माइनस वन का पावर वन प्लस टू तो माइनस वन क्या आ गया, अब एम वन टू मीन्स माइनर निकालने का तो हम लोग को पता है, तो माइनर लिख दिया। ओके, अब बताओ सी थ्री टू क्या बनेगा, माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू मतलब माइनस वन का पावर फाइव, तो माइनस ही। अब सी थ्री टू का माइनर क्या बनेगा, देखो सी थ्री टू का माइनर तो ये क्लोज, तो ए वन वन, ए वन थ्री, नेक्स्ट ए टू वन, ए टू थ्री। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोफैक्टर हम लोग कैसे निकाले, अगर हम लोग को माइनर पता है तो सी आई जे इक्वल टू माइनस वन का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, अब देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट माइन कोफैक्टर के हिसाब से हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देखो डेल्टा मीन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, तो डेल्टा को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, देखो समेशन ऑफ ए आई जे इंटू सी आई जे। तो कोफैक्टर को तो हम लोग को डिसाइड कर लेते हैं जैसे कि कौन सा हम लोग का नेगेटिव देगा, कौन सा हम लोग का पॉजिटिव देगा, माइनर डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए क्या हो रहा था, माइनस वन का पावर आई प्लस जे लिख रहे थे, तो वो डिसाइड कर रहा था डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के टाइम कहां माइनस होगा और कहां प्लस होगा। अब तो सी आई जे तो मींस कोफैक्टर तो हम लोग का डिसाइड करके आ रहा था, दे देता है। तो इसको हम लोग देखो इसका डिटरमिनेंट हो पाया कि नहीं, ए वन वन इंटू सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री। ओके, ए वन वन इंटू सी वन वन मतलब इसका माइनर यही तो बनेगा, प्लस ए वन टू इंटू इसका माइनर, तो इसका माइनर सॉरी इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के टाइम ए वन टू वाला माइनस बन जाएगा, माइनस ये माइनस वन टू का देखो माइनस बन गया, तो यहाँ पे ये पहला वाला प्लस, सेकेंड वाला माइनस, फिर थर्ड वाला प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये सी ए वन थ्री, ए वन थ्री मतलब वन प्लस थ्री तो फोर, तो माइनस वन का पावर फोर मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो अगर कोफैक्टर हम लोग को पता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पता है तो हम लोग डायरेक्ट डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं। तो उसका रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो तो अब देखो इसका तो रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूँ। जो पहला वाला रिजल्ट्स मैंने हम लोग ने हमको मिला था वही देखो, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट विद इट्स कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर देन सम इज गिव्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा। यही है देखो, एनी कोई भी रो ले लो उसका अगर कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर है तो उसका वैल्यू सम, उसका सम क्या बन के आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा देखो ए वन वन इंटू सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री। ओके, तो जो हम लोग को मिला है वही लिखा हूं। देखो सेकेंड वाला लिखा हूं, देखो इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट विद एनादर कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर, एनादर रोज ऑफ कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर देन सम इज जीरो। इसका मतलब ये है, मान लो कि मैं रो को ले रहा हूं पहला वाला,
एंड कोफैक्टर किसका यूज कर रहा हूँ, सेकेंड वाला मीन्स दूसरा रो का, तो ए वन वन इंटू सी वन टू प्लस ए वन टू सॉरी ए वन वन इंटू सेकेंड वाला कोफैक्टर मीन्स सी टी वन प्लस ए वन टू इंटू सी टू टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी टू थ्री। देखो रो हम लोग का फर्स्ट है एंड कोफैक्टर वाला रो क्या है हम लोग का सेकेंड वाला, ए टू वन ए टू टू सी टू थ्री का कोफैक्टर, तो ए टू वन ए सी टू टू सी टू थ्री। अगर रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दोनों अलग होगा मीन्स एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट विद अनदर रोज कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देन सम क्या बोलता है हम लोग को, ये जीरो हो जाएगा। ओके तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर सम हुआ तो वैल्यू ऑफ डेल्टा निकल रहा है, अगर दूसरा किसी का दूसरा किसी का रो का कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मींस मल्टीप्लाई देन एडिशन हो रहा है तो वो क्या बन के आ रहा है, जीरो बन के आ रहा है। ओके और एक प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो अब देखो मेरा नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ डीडेस इज डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय कोफैक्टर then the value of d dash is equal to d का पावर n माइनस वन। इसका मतलब क्या है, मान लो कि d dash कोफैक्टर का डिटरमिनेंट है मतलब c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 ये लोग का डिटरमिनेंट है, तब d dash क्या हो रहा है, d dash is equal to d का पावर इन माइनस वन। तो डी क्या है हम लोग का भाई, डी हम लोग डेल्टा और डी इसको लिखते हैं ना, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री। अब मुझे बताओ अगर डी एंड डी डेस निकालूंगा तो क्या बन के आएगा, देखो डी तो हम लोग का ए वन वन ये हम लोग का डी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा डी डेस तो सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री। ओके तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा दो डिटरमिनेंट को, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इधर रो के साथ इधर का रो उधर का रो, ये रो ये रो ये रो ये रो ये रो, पहला वाला तीनों रो के साथ, सेकंड वाला फिर तीनों रो के साथ, थर्ड वाला फिर तीनों रो मींस रो इनटू रो भी हो सकता है, रो इनटू कॉलम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कॉलम इनटू रो भी हो सकता है, चार मेथड में हम लोग उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रो इनटू रो में चलता हूं वो ज्यादा इजी रहेगा हम लोग का। देखो तो ए वन इंटू सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री, वो क्या होता है हम लोग का डेल्टा। ओके अब बताओ ए वन वन इंटू सी टू वन ए वन टू इंटू सी टू टू ए प्लस ए वन थ्री इंटू सी टू थ्री क्या बनेगा, मैंने पहले ही प्रॉपर्टी में बताया था अगर दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर बन गया तो जीरो, तो ये जीरो। अब सेकेंड वाला जब सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई होगा तब डेल्टा बनेगा और दूसरा कहीं पे जीरो बनेगा, थर्ड वाला से मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड वाला पहले पहला वाला से मल्टीप्लाई तो जीरो, सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई तो जीरो, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब डेल्टा बनेगा। ये क्या है हम लोग का डी इंटू डी डेस। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आ गया, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस जीरो, तो डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर मतलब डेल्टा क्यू। ओके तो डी और डेल्टा तो दोनों एक ही चीज है ना, तो बताओ डी डेस क्या बन के आ गया, डेल्टा स्क्वायर, ये तो डेल्टा ही है ना, डी मतलब डेल्टा तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल तो डेल्टा स्क्वायर। अब बताओ ये डेल्टा स्क्वायर को हम लोग ऑर्डर कितने लिए थे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ डेल्टा का पावर थ्री माइनस वन, ये हम लोग लिए थे कौन सा मैट्रिक्स मींस कौन सा कितना ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट, थ्री ऑर्डर वाला, तो इसको डेल्टा के पावर थ्री माइनस वन लिख सकता हूं। अब डेल्टा हम लोग का क्या है, डी ही तो है, तो डी डेस क्या बन क्या रहे, डी का पावर
एन माइनस वन। ओके तो डी डेस इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी का पावर एन माइनस वन कब होता है, अगर डी डेस ए कोफैक्टर का डिटरमिनेंट हो तब डी डेस इज इक्वल टू डी का पावर एन माइनस वन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके इसको याद रखना है। ओके अब चलते हैं हम डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या कहता है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेरा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मतलब मेरे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। तो देखो ये रो है हम लोग का ए वन बी वन सी वन, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके हर कोई रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, वही हम लोग का पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। मतलब मेरे पास है, अगर इसको मैं लिख रहा हूं मान लो ये इसको मीन्स दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड के पोजीशन लेता हूं, सेकंड को फर्स्ट लेके आता हूं, मीन्स इसको b1 b2 b3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। तो मैंने क्या क्या अब देखो कॉलम वन एंड कॉलम टू को इंटरचेंज कर दिया, तो साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन चेंज होता है, तो इसका डिटरमिनेंट किसके साथ सेम होगा, माइनस वाला के साथ सेम होगा। ओके ये प्लस था ना, तो इसको अगर चेंज कर दिया तो माइनस हम लोग को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा वाला प्रॉपर्टीज हमको क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो। मतलब अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बोल रहा है कि जीरो ही बनेगा। ओके नेक्स्ट बोलता है हम लोग को इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। मतलब दो कॉलम और दो रो आइडेंटिकल होने से भी वो जीरो बन जाता है। मीन्स देखो ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। अब देखो C1 एंड C2 दोनों तो सेम ही है ना, तो ये जीरो बन सकता है। मान लो रो दोनों सेम हो गया A1 B1 C1 A1 B1 C1 A3 B3 C3। देखो यहां पे रो दोनों सेम हो गया तो ये भी इसका भी डिटरमिनेंट जीरो बन गया। ये हम लोग को प्रॉपर्टीज 4 में बोला गया, ये हम लोग का प्रॉपर्टीज 3 में बोला गया, ये हम लोग को प्रॉपर्टीज 2 में, और ये अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तब डिटरमिनेंट चेंज होगा। ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज है। ओके और तीन प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बाकी चलते हैं देखो नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बोल रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइज विद ए कॉन्स्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम के टाइम्स। मतलब कोई भी रो और कॉलम में अगर k टाइम्स कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिटरमिनेंट में भी k टाइम्स वो बन जाएगा। मतलब देखो मान लो कि मेरे पास है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर कॉलम 1 में k मल्टीप्लाई हो रहा है ओके तो उसका डिटरमिनेंट में क्या होगा, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इंटू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, मतलब इसका डिटरमिनेंट ये बनेगा k टाइम्स ऑफ दैट डिटरमिनेंट। ओके मान लो कि और एक कॉलम में k टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसमें एक k आ गया, उसमें भी एक k आएगा, तो k इंटू k क्या बन जाएगा, k स्क्वायर बन जाएगा। ओके समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमको क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू ए गिवन रो। मतलब मान लो मैं कि आर आई को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आर आई प्लस अल्फा इनटू आर जे प्लस बीटा इनटू आर के। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आर वन को लिखना चाहता हूं आर वन प्लस
टू आर टू प्लस थ्री आर थ्री ऐसे लिख सकता हूँ। अगर रो को भी ऐसे कर रहा हूं मतलब कॉलम को भी मैं बना सकता हूँ, मीन्स सी वन को सी वन प्लस टू सी टू प्लस फाइव सी थ्री ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, सी वन इज टू सी वन प्लस सी टू, ये हम लोग का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, टू इंटू सी वन, तो उसका डिटरमिनेंट में क्या फर्क आ जाए, ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर सी वन के जगह हर कोई भी एलिमेंट में टू मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट टू इंटू दैट डिटरमिनेंट बन जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। तो जो भी हम लोग को आउटपुट चाहिए उसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा वाला टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते। तो सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी टू हम लोग नहीं लिख सकते, इसको सी वन प्लस टू सी टू लिख सकते हैं। ओके, अब देखो तीसरा प्रॉपर्टीज मीन्स लास्ट वाला प्रॉपर्टीज हम लोग को क्या बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ एनी रो आर सम ऑफ एन एलिमेंट देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ एन डिटरमिनेंट। मतलब मेरे पास है मान लो ए वन प्लस एक्स, बी वन प्लस वाई, सी वन प्लस जेड, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इसका डिटरमिनेंट। तो देखो रो में क्या है, दो टर्म का समेशन है। यहाँ पे क्या बोला है प्रॉपर्टी में, अगर एन सम ऑफ एन एलिमेंट भी होगा तो हम लोग एन पार्ट्स कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर टू सम ऑफ टू एलिमेंट है तो इसको हम लोग दो पार्ट ही कर सकते हैं। तो दो पार्ट कैसे कर सकते हैं, देखो ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये एक पार्ट, मतलब एक एक एलिमेंट को लेके एक पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट क्या बनेगा, प्लस एक्स वाई जेड को लेके बनाऊंगा, एक्स ए टू ए थ्री, वाई बी टू बी थ्री, जेड सी टू सी थ्री। ओके, ये सम ऑफ टू एलिमेंट था तो दो पार्ट आ गया, सम ऑफ थ्री एलिमेंट होगा तो तीसरा पार्ट भी बना सकते हैं, फोर एलिमेंट होगा तो चौथा, तो एन एलिमेंट होगा तो एन पार्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये रह गया हम लोग का डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी, इसका बेसिस से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं सम इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट जो कि आप लोग याद रख लेंगे तो कुछ एंट्रेंस में डायरेक्ट आंसर बनाने में आप लोग को इजी हो जाएगा। देखो वन वन है ए बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होने से ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बनता है। ओके, अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के जगह अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया तो आंसर में क्या चेंजेस आएगा, ए प्लस बी प्लस सी टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर ये ए बी सी के जगह अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया तो आंसर में क्या ज्यादा आएगा, ए माइनस बी बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर साइक्लिक डिटरमिनेंट होगा ए बी सी बी सी ए सी ए बी तो उसका डिटरमिनेंट बनता है थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये सब लोग अगर आप लोग याद रख लेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान बन जाएगा। ओके, तो इसको तो हम लोग प्रूव करेंगे ही करेंगे, फिर अगर आप लोग याद रख लेने से थोड़ा बहुत इजी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, देखो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट मतलब इसका एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के फॉर्मेट में रहेगा। मतलब ए टू वन किसके साथ सेम हो जाएगा, ए वन टू के साथ, ए थ्री टू किसके साथ सेम हो जाएगा, ए टू थ्री के साथ। मतलब मेरे पास अगर डी है देखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो अब बताओ ए टू वन किसके साथ सेम हो रहा है, ए टू वन किसके साथ सेम हो रहा है, इसके साथ। अब बताओ ए थ्री टू किसके साथ सेम हो रहा है, ए टू थ्री के साथ। ओके, अब बताओ ए थ्री वन किसके साथ सेम होगा, ए वन थ्री के साथ, तो ये किसके साथ सेम हो जाएगा। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट में हम लोग का क्या हो जाएगा, ए आई और डायगोनल्स
आई आई दोनों तो सेम होगा ना, तो ये बन जाएगा ए आई आई। ओके, तो ए आई जे का उल्टा ए जे आई हो रहा है, ए आई आई का उल्टा ए आई आई होगा, मीन्स डायगोनल्स में दोनों सेम ही रहेंगे, तो डायगोनल जो होगा वही होगा, लेकिन ये वाला डायगोनल्स को छोड़ के इधर डायगोनल्स का इधर उधर वाला के साथ सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। मान लो मेरे पास एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, देखो कैसे निकालेंगे उसको, ए एच जी एच बी जी एफ सी। देखो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं ए आइस ए हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। ओके, तो देखो इसको डिटरमिनेंट हम लोग कैसे करते हैं, सोरस रूल में हम लोग कर देते हैं तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। देखो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, सोरस रूल में क्या करते हैं, दोनों कॉलम को फिर एक एक बार लिखते हैं, तो ए एच जी एच बी एफ। ओके, तो सोरस रूल में क्या होता है, ए बी सी ये तीनों पहले मल्टीप्लाई करूंगा प्लस एफ जी एच प्लस जी एच एफ, मतलब फिर एफ जी एच, तो टू एफ जी एच माइनस। अब देखो जी बी जी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ओके, तो साइक्लिक परमुटेशन में, साइक्लिक परमुटेशन मत नहीं, सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग को डायरेक्ट भी पता है, अगर डिटरमिनेंट को देख दिया कि ये सिमेट्रिक है, तो ये फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग डिटरमिनेंट भी कर सकते हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। इसका मतलब है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ओके, तो ए आई जे जब माइनस ऑफ ए जे आई बनेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो अब बोलो देखो डायगोनल में क्या रहेगा, फॉर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। ओके, तो ये माइनस वाला इधर आ गया, तो टू इंटू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा स्क्यू सिमेट्री में क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, देखो ये बनेगा कि नहीं, देखो माइनस दे रहा हूं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ ए टू थ्री माइनस ऑफ ए थ्री टू है कि नहीं, ए टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस एफ थ्री टू, मतलब एफ देखो माइनस हो रहा है। ओके, ये तो थ्री ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट हो गया, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर वाला लिख रहा हूं तो जीरो फोर फोर जीरो यहाँ पे माइनस, ये भी देखो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, डायगोनल में जीरो रख दो, यहाँ पे जो रहेगा वहां पे उधर माइनस वाला रहेगा। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 16 आएगा। ओके, तो कुछ रिजल्ट्स में लिखता हूं, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड रिजल्ट्स जो कि आप लोगों को एंट्रेंस में बहुत काम में आएगा। देखो तीन रिजल्ट्स क्या है, पहला रिजल्ट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने बोल दिया था क्योंकि डायगोनल जीरो रहेगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर, मींस फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर जो भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर में तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा ही नहीं, थर्ड ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर सेवेंथ ऑर्डर जो भी बनेगा उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो बनेगा, तो देखो ये वाला जीरो बना। अब नेक्स्ट रिजल्ट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑल इवन ऑर्डर, और अगर इवन ऑर्डर है मींस सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, तो
उसका डिटरमिनेंट क्या बनता है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब देखो जीरो माइनस माइनस 16, तो 16 बन गया उसका डिटरमिनेंट, तो 16 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो इवन ऑर्डर में है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऑड ऑर्डर में है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो मेरा कोई भी डिटरमिनेंट है अगर मुझे पता चला है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग ऑर्डर देख के उसका वैल्यू लिख सकते हैं। अगर ऑड है तो जीरो, अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग ऑप्शन में जाके चेक कर देंगे कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसी को हम लोग टिक बना देंगे। ओके, तो ये हम लोग का आज का क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रूफ दैट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके।